जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेस पे आपके लिए पीटी के रिलेटेड वीडियोस लेके आ रहा हूं। तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत है ये मेरी वीडियोस की, लाइक जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस करने को आ रही हैं, उनके साथ शेयर कर दें ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। तो लिहाजा अभी चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारा मेन मोटिव है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीव किसके पास होती है बताएं और हम कैसे वो ले सकते हैं। आई हैव गॉट ईमेल बट आई कॉन्ट गेट रिजल्ट। सो अगर आपकी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन लगी है, फ्रॉड चार्ज बैक आपका लग गया है और आपको रिजल्ट वो नहीं दे रहे, और इसकी जो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, जाहिर सी बात है जब आपका फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन लगती है तो वो आपको सिंपल एक ईमेल भेजते हैं, काइंडली अगर आपने पेमेंट की है आप हमें उसकी रिसिप्ट भेज दें। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपने किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट करवाई होती है, आपके पास तो रिसिप्ट मौजूद ही नहीं होती है। अब रिसिप्ट कौन सी होती है? एक बच्चे ने ये भी क्वेश्चन किया था कि सर हम कौन सी रिसिप्ट अपलोड करेंगे। मैंने कंसल्टेंट से टेस्ट बुक करवाया, कंसल्टेंट ने एक मुझे रिटर्न फॉर्म में मैनुअल रिसिप्ट बना के दे दी कि जी आपका 65 या 50,000 का टेस्ट बुक हुआ है, ये लें। तो क्या हम वो सबमिट कर सकते हैं? पीटी पर्सन कभी भी उस रिसिप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो आपकी मैनुअल रिसिप्ट है, वो आपकी पीटी ने इशू नहीं की। तो लिहाजा जब भी आपका फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन लगे, जो आपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जो पेमेंट की हुई है आपने, उसकी रिसिप्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगी या आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होगी, आपने वही सबमिट करनी है, उसी की बेस पे अकाउंट का इश्यू सॉल्व होगा। अगर तो आप ये प्रोसेस से गुजर के अपना सॉल्व कर लेते हैं तो 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, लाइक इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा है, जिनके पास रिसिप्टें नहीं है, वो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें 50-50 चांसेस होते हैं। देखिए, हम ऑफिशियली मेंबर हैं पीटी के, तो 100% आपका कोशिश करेंगे इशू रिजॉल्व करने की। मैं अगेन आपको बोलूंगा, इसमें 50-50 चांसेस होते हैं, 50% चांसेस हैं कि आपका इशू सॉल्व हो जाएगा और 50% चांसेस हैं कि आपका इशू सॉल्व नहीं होगा। तो लिहाजा जो भी अपने इशू सॉल्व करवाना चाह रहे हैं वो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी उनका इशू सॉल्व कर सकूं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप मिल जाएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और नई अपडेट्स के लिए कमेंट कर दें। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।